हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडीज में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं, ये है मैथ की पीएसटेट के लेवल 2 की। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फॉर इवेल्युएशन अ टीचर शुड यूज इजी टाइप क्वेश्चन, ओरल टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है सेकंड, इफ ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू, देन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है जीरो ए। तो इस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा 3, 5, 9, 10, 11, 4, 5, 8, 12, 15 इज, इसका जो मीन निकलेगा वो निकलेगा 8.5। डी आंसर है इसका। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। द ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू ट्राइंगल इन द सेम वेव एज मेंसुरेशंस इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर है वन, जियोमेट्री। इसके जो ऑप्शन है जियोमेट्री, सर्कल, एरियाज, पॉलीगॉन्स, इसका जो आंसर है वो है जियोमेट्री। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो इसकी बात करते हैं। ये आएगा अपना ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 8, 64, 124, 125 और 28। तो दोस्तों इसमें देख लो, ये 2 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। इसमें जो 28 है ये किसी का क्यूब नहीं है, कोई किसी का स्क्वेयर नहीं बनता, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 28। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8, आल्सो इट्स ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, द नंबर इज। तो इसका आंसर बनेगा 7। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन दिया होगा 5, 6, 7, 8। और सेवन्थ क्वेश्चन है, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन एक्स, और डिवाइड मीन्स प्लस एंड एक्स मीन्स माइनस, देन 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसके ऑप्शन है 42, 2, 18 और 16। तो इसका आंसर आएगा 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसके बाद बात करते हैं एट क्वेश्चन की। ए पर्सन क्लेम 15 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी एंड 5 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ड्राइव्स हिज ओन कार। ही इफ ही क्लेम्ड 500 रुपीज फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर, देन नंबर ऑफ किलोमीटर ही ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। तो इसका जो आंसर बनता है वो है 10, जो ऑप्शन ए है। इसके ऑप्शन थे 10, 20, 30 और 40। तो इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ठीक है, इसका आंसर है 10। और इसके बाद बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लोज 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इफ ही अटेम्प्ट ऑल 75 क्वेश्चन एंड स्कोर 125 मार्क्स, देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड करेक्टली वर। तो इसका जो आंसर होगा वो है 40 क्वेश्चन राइट उसने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन की। द वर्ड विच इज द लीस्ट लाइक एंड अदर वर्ड इन द ग्रुप इज। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैथमेटिक्स। ऑप्शन है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मैथमेटिक्स। तो इसका सही आंसर है मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। प्रॉब्लम इन टीचिंग मैथमेटिक्स इज ड्यू टू डैश ड्यू टू, इसका आंसर ऑप्शन है लार्ज क्लासेस, टीचर एटीट्यूड, टीचर क्वालिफिकेशन, हैवी मैथमेटिक्स सिलेबस। तो इसका जो सही आंसर है वो है टीचर्स एटीट्यूड। रेमिडियल टीचिंग इज यूजफुल इन फाइंडिंग। तो इसका आंसर
इसका आंसर आता है डिफिकल्टीज ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13th question। द मैथमेटिक्स फॉर्मूला कैन बी डिड्यूस्ड बाय, तो इसके ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडक्टिव मेथड। 14th question की बात करें, द पर्पस ऑफ गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट इज टू अवॉइड वर्कलोड ऑफ अ टीचर, टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ग्रोथ बाय पेरेंट्स, इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बेटर, एंड डी है टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट, इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बेटर। तो 14th question का आंसर है सी। इसके बाद बात करते हैं 15th question की, द स्क्वेयर ऑफ -0.02 इज, तो इसका जो स्क्वेयर होगा ऑप्शन है -0.004 एंड -0.04 और डी आंसर है इसका 0.0004। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है डी। एच सी एफ ऑफ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज एंड x3 - y3 इज, तो इसका जो इसका आंसर आएगा x - y। ठीक है, इसके बाद 17th question है, ए सम ऑफ ₹3,300 इज शेयर्ड बिटवीन राम, रमेश, रहीम एंड रविंदर। रविंदर, राम गेट्स 1/3 ऑफ इट, वेयर एज ईच ऑफ रमेश एंड रहीम गेट 4/15 देन अमाउंट ऑफ मनी रविंदर गेट्स, तो इसकी जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी, ऑप्शन है 480, 880, 440 एंड 460। तो जो रविंदर गेट करेगा इसमें से अमाउंट वो है 440 रुपीज। इसके बाद आता है 18th question, इफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू 2:3 है और बी एंड सी का रेशो है 5.6, देन ए बी सी इज इक्वल टू होगा जो इसके ऑप्शन है 2:3:6, 10:15:18 और जो सी है 2:5:6 और डी है 6:5:12। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी आंसर है 10:15:18। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं 19th question की, टू पोल्स ऑफ हाइट 7 meter एंड 12 meter स्टैंड ऑन ए प्ले ग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 meter देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इसका जो ऑप्शन है 12 meter, 11 meter, 13 meter एंड 15 meter, तो इसका जो आंसर है वो है 13 meter। ठीक है फ्रेंड्स, मैथमेटिक बात करते हैं 20th question की, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ, ऑप्शन है ब्यूटी, लॉजिकल थिंकिंग एंड सिस्टमैटिक रीजन, क्रिटिकल स्टडी, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर बनता है बी, लॉजिकल थिंकिंग एंड सिस्टमैटिक्स रीजनिंग। ठीक है, अब 21st question है, इन अ कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, रानी सिक्योर 36 marks आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, द नंबर ऑफ मार्क्स रानी गेट इन इंग्लिश आउट ऑफ 150 सो दैट शी मे गेट 42% ऑफ मार्क्स इज, तो इसके ऑप्शन है 69, 63, 67 एंड 99, तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है 63। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22nd question, रमेश एज इज 52 ईयर एंड ही इज 4 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, हुज एज विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, 52 इज इक्वल टू 2x 2 × -4, बी है 52 इज इक्वल टू 2 × +4 और x + 4 इज इक्वल टू 52 और इसका जो आगे है 2x + 4 इज इक्वल टू 52, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि 52 इज इक्वल टू 2x + 4, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है ही इज 4 ईयर मोर देन द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ हिज सन, मतलब एक्स होगी उसके बेटे की एज जो ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा और प्लस 4 मतलब कि उसकी ट्वाइस से भी 4 साल प्लस में है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं 23rd question की, एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंड 2/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन मेजर ऑफ एंगल इज,
तो इसकी जो मेजरमेंट बनेगी वो है 36 डिग्री पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं अपने 24th क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ वर्टिक्स एजिस एंड फेसिस रिस्पेक्टिवली ऑफ ए कबर्ड, तो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 6 एंड 12, 12, 8 एंड 6, 8, 12 एंड 6 एंड डी ऑप्शन जो है 12, 6 एंड 8। तो इसका जो आंसर है वो आपको बता, तो इसका जो आंसर है बी, सॉरी 8, 12 एंड 6, सी आंसर है इसका। और इसके बाद बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट 30 स्टडी हिंदी, 25th स्टडी इंग्लिश एंड 11th स्टडी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी एनी ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 11, 19, 14 एंड 6। तो जो राइट आंसर इसका है वो है 6। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 26th क्वेश्चन की तरफ। ए ड्रम ऑफ वाटर इज 3/5 फुल व्हेन 38 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज जस्ट 1/8 फुल, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इन लीटर इज, तो ऑप्शन दिए हुए हैं 80, 84, 94 एंड 64। तो जो राइट आंसर है इसका वो है 80। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ। द रेशो ऑफ ए एफ शेयर टू डेट ऑफ बी इज 3:4, बी गेट्स 2/5 ऑफ सी शेयर इफ 425 रुपीज आर डिवाइडेड अमंग देम देन ए विल गेट, तो इसके पूछा है कि ए को कितने को मिले, तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है 100, 250, 75 एंड 125। तो इसका जो राइट आंसर वो है 125। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ। इफ एक्स इज 20% लेस देन वाई, देन वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, इसका जो आंसर बने ऑप्शन दिए हुए हमें वो है वो 4/5, 1/5, 3/5 और 2/5। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4/5। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द डायगनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड, द एंगल्स ऑफ द रोम्बस आर, तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास वो हैं 30 degree, 60, 30, 60, 45, 45, 45, 60, 120, 60, 120, और 4th है 90, 90, 90। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, 60 degree, 120 degree, 60 degree और 120 degree। और ये है, इसके बाद बात करते हैं अपने 30th क्वेश्चन। ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 15 days, बी एंड सी इन 20 days, वाइल सी एंड ए इन 30 days, देन ए कैन फिनिश द वर्क इन, तो ऑप्शन दिए हुए 40 days, 24 days, 120 days एंड 131/3 days। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 40 days। ठीक है दोस्तों, आई विश आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की ताकि आपके अपने फ्रेंड्स को भी इसका आंसर की के बारे में पता चले, और वो भी अपने जो है मार्क्स को काउंट कर सके और अपना रिजल्ट गेट कर लें। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।